क्वेश्चन आएगा, अ स्फेयर, अ सॉलिड स्फेयर, एक डिस्क है, एक रिंग है, आर रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट सेम टाइम. तो तीन बॉडीज ली, स्फेयर, रिंग, डिस्क लिया, टॉप पे मैंने रिलीज किया, यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक हो गया. मास और रेडियस तीनों के सेम है, कौन पहले नीचे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन फ्रिक्शन नहीं है और ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन का होता और तीन ब्लॉक्स होते M1, M2, M3 और तीनों के मास सेम है, तो तीनों की एक्सेलरेशन भी क्या होती, जी साइन थीटा सेम, और नीचे पहुंचने का टाइम भी क्या होता, सेम. पर ये रोटेशनल मोशन है, इसमें रोल करती हुई बॉडी नीचे आएगी, और अगर रोल करती हुई बॉडी नीचे आएगी तो शेप मैटर करेगी. तो इसके अंदर मुझे टाइम निकालना है. एक काम करो, तीनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया, एस, यू इज इक्वल टू जीरो, तीनों ने डिस्टेंस एस कवर किया. आप एक काम करो, सेंटर ऑफ मास किस मोशन में होगा, ट्रांसलेशन, यानी कि लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा. तो आप सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्या स्टेप क्लियर है, सेंटर ऑफ मास के लिए आपने क्या इक्वेशन अप्लाई की, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेशन या लीनियर मोशन में मूव कर ही रहे. ठीक हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया आपने, टाइम निकाल लिया. तीनों बॉडीज में से, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों बॉडीज में से जिसकी एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होगी उसका टाइम टेकन उतना ही कम होगा. राइट. तो सारी गेम किस पे डिपेंड करती है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करती है. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन जितनी कम होगी टाइम नीचे पहुंचने का उतना ही ज्यादा होगा, या उल्टा कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जितनी ज्यादा होगी टाइम कम होगा. जो एक्सेलेरेशन है रोलिंग मोशन में, एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला देख रहे हो, ध्यान आगे, रोलिंग मोशन में एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला देख रहे हो. मैंने क्या बोला, जिसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी उसका समय कम होगा. एक्सेलेरेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो कम होगी उसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी, और जिसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी उसका टाइम टेकन कम होगा. या उल्टा कर लो, उल्टा ये है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा होगा उसका ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, उसका एक्सेलेरेशन कम होगा, जिसकी एक्सेलेरेशन कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा. सिंपल इक्वेशन है. एक काम करो यार, पहले काम करो, आप ना तीनों का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख ही लो. तो स्फेयर जो होता है उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, 2/5 mr² से 2/5.4. जो डिस्क है हाफ एम आर स्क्वायर से हाफ, यानी कि 0.5, और रिंग का 1. सबसे कम किसका है, स्फीयर का. अब जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम होगा उसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी, एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी टाइम, तो सबसे कम टाइम कौन लेगा, सॉलिड स्फीयर. कैसे देखना समझ में आ रहा है, और कैसे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है ये समझ में आ रहा है. सारा क्वेश्चन ही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पर डिपेंड कर दिया, बस ये रेशियो देखते जाओ आंसर आता जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक.